हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। हमने अपने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखा। आज हमारा नया टॉपिक है कैपेसिटर। अब हम कैपेसिटर के बारे में सीखेंगे कि इसकी कैपेसिटर क्या होता है, हमारा इसकी एबिलिटी को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, हमारे कैपेसिटेंस क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये सब सीखेंगे हम आगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले कैपेसिटर। हमारा क्या है कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होता है। जैसे हमने रेजिस्टेंस पढ़ा है, हमने रजिस्टर पढ़ा है और रजिस्टेंस पढ़ा है, वैसे ही कैपेसिटर होता है और एक कैपेसिटेंस होता है। तो रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर एक डिवाइस है जो हमारे जो करंट है उसको रोकता है, करंट का अपोज ही करता है, उसी को हम रजिस्टर बोलते हैं। तो हमारा कैपेसिटर क्या है, हमारा कैपेसिटर भी एक डिवाइस है जो हमारे चार्ज को स्टोर करता है। क्या है, इट इज ए डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या हमारा, हमने रजिस्टर पढ़ा था, रजिस्टर क्या होता है, हमारा जो करंट दे करंट का अपोज करता है, सर्किट के अंदर हम रजिस्टेंस या फिर रजिस्टर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं कि वो करंट का अपोज करेगा। अब कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करके रखता है, कि पहले वो धीरे धीरे अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर लेगा और जब हमें जरूरत होगी वो चार्ज को डिस्चार्ज कर देगा, मतलब कि हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसको हम ये भी बोल सकते हैं उसका इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने का क्या मतलब है, जो हमारा कैपेसिटर है वो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, मतलब कि जो एनर्जी इसके अंदर जो स्टोर होगी वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में स्टोर होगी। ठीक है, तो हमारा कैपेसिटर क्या है, इट इज ए डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये क्या हमारा कैपेसिटर है। अब हमने रजिस्टर पढ़ा था तो उसका रजिस्टेंस पढ़ा था, रजिस्टेंस क्या था हमारा, रजिस्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि मतलब उसकी एबिलिटी है कि वो कितना हमारा करंट का अपोज कर सकता है, उसी तरह हमारा कैपेसिटेंस होता है। क्या हमारा अगला कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस भी हमारे कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी है। क्या हमारा कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस की ही एक प्रॉपर्टी है कि हमारे जो कैपेसिटर है उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकता है। तो क्या है, इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। कितने कितनी कैपेसिटी है उसके अंदर, कितनी एबिलिटी है एक कैपेसिटर के अंदर कि वो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकता है। तो एक कोई डिवाइस नहीं होता, कैपेसिटर हमारा एक डिवाइस है और जो कैपेसिटेंस है वो हमारे कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी है, कि प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर कितना चार्ज है वो स्टोर करेगा। अब हम निकालेंगे किसी भी मटेरियल है या फिर कोई भी स्फेरल है, पैरेलल प्लेट, उसका कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो हमारा पहले सबसे पहले कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, हम वो ड्राइव करेंगे कि हमारा कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि हम कोई भी एक कंडक्टर ले लेते हैं, तो कंडक्टर क्या करेगा, जितना हम उसके ऊपर चार्ज देंगे उसका पोटेंशियल डिफरेंस उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, मतलब कि जैसे जैसे हम चार्ज है उसको इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा उस पर पोटेंशियल होगा वो भी इंक्रीज होता जाएगा। कैसे, हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, 1/4πε0Q/r, ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। यहां से हमें क्या दिख रहा है, अगर हम चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो हमारा पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं जितना हम चार्ज को इंक्रीज करें हमारा जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसका क्या मतलब, हमारा जो चार्ज होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होगा। हम यहां से ये भी कह सकते हैं क्योंकि क्या है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो हमारा पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है। क्या इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कार है कि एक दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब, जो इफेक्ट इस पे पड़ेगा वो इफेक्ट इस पे पड़ेगा। तो ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज, अगर ये डिक्रीज होगा तो ये भी हमारा डिक्रीज होता है। तो यहां से क्या आया, हमारा जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा पोटेंशियल होगा। अब हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आता है। तो क्या होगा, हमारा क्यू इज इक्वल टू सी वी, यहाँ पे जो हमारा सी है वो क्या है, सी को हम बोलेंगे कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या हमारा, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी।
और हम इसको क्या भी बोल सकते हैं, सी ही हमारा क्या है, कैपेसिटेंस है। सी को ही क्या बोलेंगे हम, कैपेसिटेंस है। तो मतलब कि जो यहाँ पे हमारा कैपेसिटेंस है वो हम सी से डिनोट करेंगे। हम आगे जब भी सी लेंगे तो जहां पे भी हमने सी लिखा है उसका क्या मतलब, हम कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं। तो हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आएगी इस इक्वेशन से, हम कह रहे हैं सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला आया हमारा यहाँ से, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, मतलब कि चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। अगर हम यहाँ से इसकी यूनिट देखें तो हमारी इसकी यूनिट क्या आएगी, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज की क्या यूनिट होती है हमारी, कूलम। और जो पोटेंशियल है उसकी क्या यूनिट होती है हमारी, वोल्ट। तो इसको क्या क्या बोलेंगे, इसको हमारी क्या यूनिट है, तो ये क्या हो गया हमारी, कूलम पर वोल्ट। या फिर कूलम जो हमारा कैपेसिटेंस है उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट भी होती है, उसको हम बोलते हैं फेराडे, फेराड। और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल एफ से। तो क्या हो गया हमारी कैपेसिटेंस की जो स्टैंडर्ड यूनिट हम लेके चलते हैं, हम कूलम पर वोल्ट यूज नहीं करते, हम फेराड फेराड यूज करते हैं कैपेसिटेंस की यूनिट को। और जो हमारा ये कैपेसिटेंस है, जो सी आया है हमारा, जो कैपेसिटेंस आया है, ये हमारा ना तो मेटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, हमारे ये डिपेंड करता है कि जो हम जैसे पहले प्लेट कैपेसिटर भी लेंगे, आगे जो भी लेंगे, जो मेटेरियल ले रहे हैं उसका मीडियम क्या है, ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। क्या ये मीडियम पे डिपेंड करता है ना कि मेटेरियल पे डिपेंड करता है। तो ये क्या था हमारा, कैपेसिटेंस था। हमने क्या पढ़ा, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में क्या फर्क है ये जरूर याद रखना। कैपेसिटर हमारा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है, और कैपेसिटेंस है वो हमारे कैपेसिटर है उसकी एक प्रॉपर्टी है कि जो हमारा कैपेसिटर है वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। तो अब हम बात करेंगे हमारा प्रिंसिपल क्या है, हमारा जो कैपेसिटर है इसका प्रिंसिपल, जो कैपेसिटर है किस प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा। तो क्या अगला हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। तो प्रिंसिपल देखने के लिए हम पहले क्या करेंगे, एक सेटअप बनाएंगे, उसमें क्या हम दो प्लेट्स कंसिडर करेंगे। सबसे पहले तो हमने एक प्लेट ली, ये हमने प्लेट ले ली ए। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मेटेलिक प्लेट ली हमने, ये हम क्या करेंगे, इसको हम बाहर से एक्सटर्नल इसको चार्ज प्रोवाइड करेंगे। हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज इसको प्रोवाइड कर दिया, जिसकी इतनी एबिलिटी है उतना हम चार्ज प्रोवाइड करेंगे, मतलब हम इसको मैक्सिमम चार्ज प्रोवाइड करवाएंगे। इसको मैक्सिमम चार्ज प्रोवाइड कर दिया, अब हम क्या करेंगे, दूसरी प्लेट प्लेस करेंगे कुछ डिस्टेंस पर, जो ए प्लेट है उसके कुछ डिस्टेंस पर हम दूसरी प्लेट प्लेस करेंगे। अब क्या है, हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, कूलम्स लॉ पढ़ा था, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था, वहां पे हम पढ़ा था कि अगर हम किसी एक न्यूट्रल बॉडी, हम एक बॉडी के पास दूसरी चार्ज बॉडी रखते हैं तो क्या होता है, जो हमारी दूसरी बॉडी उसके अंदर चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो वही क्या पे मेटेलिक बॉडी है, तो क्या होगा यहाँ पे हमारा, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके ऊपर जो प्लेट बी ली हमने, इसको बाहर से चार्ज नहीं दिया, ए को हमने बाहर से चार्ज दिया था, मतलब इसको चार्ज बॉडी बना दिया हमने, तो क्या होगा ये पॉजिटिव चार्ज हो गई। अब क्या करें, दूसरी बॉडी रख दी, अब इसके ऊपर इसके पास रखी, तो क्या होगा, इस प्लेट ए की वजह से प्लेट बी पे चार्ज इंड्यूस होगा। चार्ज इंड्यूस कैसे होता है, हमारा प्लस चार्ज है तो उसकी तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, जिस तरफ प्लस है उसकी तरफ क्या आएगा, हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या करता है हमारा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसको वो रिपेल कर देगा, तो पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा प्लेट बी के, तो क्या हो, चार्ज इंड्यूस होगा इसमें, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, कैपेसिटर का कैपेसिटर लेते हैं, हम क्या चाहते हैं कि कैपेसिटेंस उसका इंक्रीज हो, हम यही चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा हमारा चार्ज है वो स्टोर, जो चार्ज है वो इंक्रीज होता जाए, ताकि उसकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी वो ज्यादा से ज्यादा स्टोर करें, हम यही चाहते हैं। तो क्या करेंगे, जो हमारा कैपेसिटर है उसका जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होना चाहिए, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हमने ये रिलेशन पढ़ा था, यहां से देखते हैं, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ये फॉर्मूला निकाला हमने। यहां से क्या हम कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो क्या हम पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे तो हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा,
ये का दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो अगर हमारा पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, तो हम क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे हम अगर पोटेंशियल को डिक्रीज कर देंगे तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम टोटल पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या होगा, प्लस की वजह से हमारा इंक्रीज होगा, नेगेटिव जो चार्ज आ रहा है उसके वजह से हमारा पोटेंशियल कुछ ना कुछ इंक्रीज डिक्रीज करेगा, सॉरी नेगेटिव की वजह से क्या करेगा, हम पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। आज हम फिर इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया फिर इंक्रीज कर देगा। तो हम क्या करें, अगर हम इस प्लेट के इस एंड को अगर हम अर्थ कर दें, तो अर्थ करेंगे तो क्या होगा, ये हमारी प्लेट ए थी, इस पर क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज है जो हमने एक्सटर्नल दिया था, और बी प्लेट है उसके ऊपर क्या था, हमारा चार्ज इंड्यूस हुआ था, तो इस तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था। और क्या करें, इसके इस साइड को हमने अर्थ कर दिया, अर्थ करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो पॉजिटिव चार्ज था वो सारा अर्थ में चला जाएगा हमारा, तो सिर्फ प्लेट बी पर क्या चार्ज बचेगा, हमारा नेगेटिव चार्ज बचेगा। अगर हम यहां से पोटेंशियल निकालें, इन दोनों को कंपेयर करें, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा इस सिस्टम में क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। कैसे, हमारा जो यहाँ पे पोटेंशियल देखते हैं, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल आ रहा है, इसकी वजह से पोटेंशियल आ रहा है, इसकी वजह से पोटेंशियल आ रहा है, इन दोनों पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारा पोटेंशियल इंक्रीज होगा। कैसे होगा, देख हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 πε₀ क्यू अपॉन में आर, ये फॉर्मूला होता है हमारा पोटेंशियल का। हम टोटल पोटेंशियल निकालते हैं सिस्टम का, तो क्या कहते हैं टोटल पोटेंशियल को, तो V1, V2, V3 ऐसे जो जितने भी हमारे पोटेंशियल सबको ऐड करते हैं। अगर हम पॉजिटिव का निकाल रहे हैं तो क्या होगा, साथ पॉजिटिव आता है, अगर नेगेटिव चार्ज का निकाल रहे तो क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आएगा। अगर हम पॉजिटिव को पॉजिटिव पॉजिटिव के सारे को ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अगर हम उसमें नेगेटिव है उसको ऐड करेंगे तो नेगेटिव की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें डिक्रीज हो जाएगा पोटेंशियल कुछ ना कुछ। तो अगर पूरे सिस्टम का इसका देखे और पूरे सिस्टम इसका देखे तो हमारा जो पोटेंशियल है वो किसका कम दिखेगा, इसका पोटेंशियल कम होगा। क्यों, इसमें देखो एक इसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है, तो इसकी इस पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो वो इंक्रीज हो रहे हैं, और इस नेगेटिव चार्ज के डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो दो केस हो गए जहां पे हमारा पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे देखे तो ओनली इसकी वजह से इंक्रीज होगा हमारा, यहाँ पे हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है जिसकी वजह से हमारा पोटेंशियल इंक्रीज होगा, ओनली हमारा नेगेटिव चार्ज है जो पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा। तो ओवरऑल देखें तो इस सिस्टम के कंपेरिजन में इस सिस्टम में हमारा क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा उसका क्या मतलब, हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, यही हम चाहते हैं कि हमारा जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाए। तो यही क्या हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है, क्या लेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर को भी हम डिनोट करते हैं हम। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, और दूसरी प्लेट वो हमारी अर्थ है। तो हम जब भी कैपेसिटेंस को डिनोट करते हैं तो इसका सिंबल क्या होगा, यहाँ से अगर हम सिंबल देखें तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक, ये तो सिंबल होता है। अगर हम इस पर चार्ज भी दिखाएंगे, कोई सिस्टम लेंगे अगर हम, तो उसमें अगर चार्ज दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, एक प्लेट पर हम पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे और एक प्लेट पे हम नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे, और जो हमारी दूसरी प्लेट है इसको क्या कर देंगे हम, अर्थ कर देंगे, ठीक, ऐसे ही दिखाते हैं हम। क्या दिखाते हैं, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे, एक प्लेट पर हम नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे, और सिंबल होता है हमारा कैपेसिटेंस का वो ये सिंबल होता है, ठीक है। अब अगला है हमारा कि स्फेरिकल कंडक्टर लेंगे उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, क्या देखेंगे हम, स्पेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस देखेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, फॉर्मूला जो आया C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, उस फॉर्मूले का यूज करके हम कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे हम, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्पेरिकल कंडक्टर बोल दो या कैपेसिटर बोल दो, स्पेरिकल कंडक्टर। तो क्या करेंगे हम, इसमें एक स्फीयर कंसिडर करेंगे, तो हमने क्या ले लिया, एक स्फीयर कंसिडर कर ले लिया, उसकी रेडियस क्या हमारी आर, उसकी रेडियस है। हमने क्या किया, जो क्यू चार्ज है उसके सेंटर पे प्रेजेंट है, तो क्यू चार्ज की वजह से इसके सरफेस पे भी हमारा कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा, हमने पढ़ा है पोटेंशियल क्या होगा हमारा, क्यू चार्ज है तो इसकी वजह से हमारा पोटेंशियल क्या आएगा, 1/4 πε₀, चार्ज हमारा क्यू है तो क्यू अपॉन में रेडियस क्या है इसकी आर है, तो ये क्या होगा हमारा पोटेंशियल हो जाएगा। स्फीयर की वजह से हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला हमारा, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, सिंपली हमने सिर्फ इसमें हमारे वी की वैल्यू पुट करनी है, करेंगे तो क्या आएगा, क्यू अपॉन वी की क्या वैल्यू है, 1/4 πε₀ क्यू बाई आर, क्यू से क्यू,
कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, तो कैपेसिटेंस क्या आएगा हमारा यहाँ से 4πε0 इंटू में आर, आर क्या हमारे रेडियस ऑफ ए स्फीयर है, तो क्या आ गया हमारा कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर आ गया। तो हम ये तो सिंपल केस था हमारा। अब हम आगे देखते हैं कि हम पैरेलल प्लेट, अगर हमें दो प्लेट दे रखी है और वो पैरेलली प्लेस है एक दूसरे के, तो उसका कैपेसिटेंस हम कैसे निकालेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारा क्या टॉपिक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी हम आगे कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं उनमें न्यूमेरिकल वगैरह के लिए। इसका जो रिजल्ट आता है हमें रिजल्ट याद रखना बहुत जरूरी है, इसका रिजल्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा। तो क्या करेंगे हम, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट है तो क्या मतलब हमें दो प्लेट, पैरेलल प्लेट है तो इसका मतलब यही होगा कि दो प्लेट होगी हमारे पास, तो क्या करेंगे दो पैरेलल प्लेट्स कंसिडर कर लेंगे हम। प्लेट को ऐसे दिखा रहे हैं, उसमें हम प्लेट को डायरेक्ट लाइन से दिखाया था, हम प्रिंसिपल में देखा था उसको, तो क्या करेंगे हम इसको दो प्लेट कंसिडर कर लिए हमने। ये प्लेट ए होगी हमारी, ये प्लेट हमारी बी होगी। अब क्या करना है, इस पर हम क्या कर रहे थे, हमें प्रिंसिपल में अभी पढ़ा, तो एक प्लेट पे हमारा प्लस चार्ज और एक प्लेट पे हमारा माइनस चार्ज आ रहा था, तभी हमारा उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा था और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा था। तो क्या करेंगे हम, प्लेट ए पे क्या ले रहे हैं कि प्लस क्यू चार्ज है, और जो प्लेट बी है इस पर हमारा क्या है माइनस, इसके इस फेस पे होता है हमारा माइनस क्यू चार्ज, और जो ये वाला साइड होता है ये क्या होता है हमारा अर्थ होगा, और दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस हम लेंगे स्मॉल डी है, और जो दोनों प्लेट है पैरेलल प्लेट से दोनों का एरिया होगा वो क्या होगा सेम होगा। क्या ले लिया हमने, क्या किया है, दो पैरेलल प्लेट्स ली है, उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल लेंगे, बीच की डिस्टेंस क्या हमारी डी से डिनोट की है। प्लेट ए पे हमारा क्यू चार्ज है और प्लेट बी के इस साइड वाले फेस पे हमारा माइनस क्यू चार्ज है, और ये वाला जो फेस है वो हमने क्या कर दिया अर्थ कर दिया। तो अब हम इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो दोनों प्लेट है उसका एरिया क्या हमारा ए है, तो हम क्या निकालेंगे इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे। अब हमारा क्या है, इधर प्लस चार्ज है इधर माइनस चार्ज है, तो प्लस और माइनस चार्ज है तो क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के रूप में देखेंगे तो हमारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट डीवी बाई डी आर होती है। अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या बात करेंगे हम, मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर होता है, ओनली हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस का प्लस हो जाता है हमारा, तो ई इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर, ये क्या जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या देखेंगे, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज होगा ये प्लस क्या होगा, ये भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा माइनस क्या होगा, तो जब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसकी वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी कैसी आएगी, हमारी यूनिफॉर्म आएगी। तो यहाँ पे क्या होगी, हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, जो हमारा पोटेंशियल आएगा वो क्या होगा हमारा डी वी नहीं होके क्या होगा टोटल पोटेंशियल हमारा वी होगा। तो यहां से देखें तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आएगी, V बाई आर, और R नहीं लेंगे, हमारा जो बीच की दोनों चार्ज के डिस्टेंस क्या है हमारा D है, तो क्या हो गया V बाई डी, क्या वैल्यू आएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के, V बाई डी, किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारा पोटेंशियल वी होगा, और जो दोनों के बीच के डिस्टेंस लेंगे, दोनों के बीच के डिस्टेंस के हमारे स्मॉल डी, तो ई इज इक्वल टू क्या होगा हमारा वी डिवाइड बाई डी, तो यहां से वी क्या आएगा हमारा, वी इज इक्वल टू ई इंटू में डी, यह आ जाएगा क्या आएगा हमारा पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में दोनों दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस। अब हमने पढ़ा है, हमने प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, अगर उसके ऊपर हम चार्ज डेंसिटी पता हो, अगर हमने मान ली कि इफ सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, कि हमारे सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स, तो अब अगर हमारी प्लेट के ऊपर सिग्मा है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, हमें ये गॉस लॉ में निकाली थी, जिस चैप्टर में जिस गॉस लॉ का टॉपिक चल रहे थे तब हमने निकाली थी कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आई थी जब हमारा
इसके ऊपर जो प्लेट्स हैं इनके ऊपर सिग्मा चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो हमारी ई की वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी वो थी हमारी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट आया था हमारा ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या करेंगे हमारा ये जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये मान लिया हमारी क्या है फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी थर्ड इक्वेशन। क्या करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड हमारा क्या आएगा सेकेंड और थर्ड का यूज करेंगे तो हमारा क्या आएगा पोटेंशियल किसके इक्वल आएगा हमारा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो वी इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी। ये हमारा क्या आ गया पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। पर हमें क्या पता है हमने क्या देखा हमारा जो प्लेट्स है उसके क्या है चार्ज पता है हमें, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने नहीं निकाले, हमें क्या पता है चार्ज पता है और उनका एरिया पता है। तो हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैसे लिखते हैं हम चार्ज अपॉन में एरिया, यही होती है हमें चार्ज पता है और एरिया पता है। हम सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे हमने कोई डिफाइन नहीं किया है ना, तो हम क्या चार्ज डिफाइन कर रखा है हमने इन दोनों प्लेट का एरिया भी पता है, तो हम क्या करेंगे सिग्मा की जगह हम सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम यहाँ से क्या आएगा सिग्मा की जगह क्या पुट करेंगे हम चार्ज अपॉन में एरिया, तो क्या आ जाएगा हमारा क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ए डी। ये आ गया हमारी पोटेंशियल की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब क्या करना है हमें पता है अभी हमें निकाला था एक फॉर्मूला देखा था हमने कैपेसिटेंस का, वी नो दैट क्या देखा था हमने सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, यही फॉर्मूला आया था। क्या करना अब सिर्फ सिंपली इस फॉर्मूले में हमारे वी की वैल्यू पुट करनी है, वी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा कैपेसिटेंस क्या आएगा सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, वी क्या है हमारा क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू में डी, क्यू से क्यू कैंसिल, तो यहां से हमारा सी क्या आएगा सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो क्या ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए डिवाइड बाय डी। एप्सिलॉन नॉट क्या हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ए क्या हमारा प्लेट्स का एरिया है, प्लेट्स के बीच का एरिया नहीं है हमारा क्या है दो जो प्लेट्स दे रखे हैं उनका एरिया, जो डी है वो क्या है दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है। तो क्या है यहां से देखें तो हमारा जो डी है जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है उसके हमारा कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारा डी इंक्रीज होगा मतलब कि दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस कम होगी तो हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, अगर हम दोनों प्लेट का एरिया ज्यादा लेंगे तो हमारा क्या होगा उसमें भी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। तो ये क्या हमारा क्या आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये था हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमने आज कैपेसिटर उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, जो हमारा कैपेसिटर है वो किस प्रिंसिपल पे कैसे काम करता है वो देखा हमने, और हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो पढ़ा है। ये हमारा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।